अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समीनाज रूटीन व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक नया व्लॉग लेकर। एक्चुअली कुछ दिन से ना व्लॉग ही मतलब बना के रखी हूँ, लेकिन है ना वॉइस ओवर करने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। घर पे ना ऊपर की फ्लोर पर है ना काम चल रहा है और ड्रिलिंग की इतनी आवाज़ें आ रही है ना, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वॉइस ओवर सुकून से कर सकूँ। तो आज थोड़ा सा काम रुका हुआ है, तो मैंने सोची कि जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ और अपलोड भी अभी ही कर लूँगी। तो ये है ना एक्चुअली संडे का ही व्लॉग है, संडे टू मंडे। यानी कि एक्चुअली बच्चे ना मतलब स्कूल से आने के बाद मेरी रूटीन क्या होती है या फिर छुट्टी वाले दिन रूटीन क्या होती है। तो ये तो छुट्टी का दिन था और मॉर्निंग मैंने मशीन लगा दी थी। और सबसे पहले तो है ना बच्चों के स्कूल के कपड़े जो होते हैं ना वही मैं वॉश करने में डाल देती हूँ। अभी बल्कि बच्चे सो ही रहे हैं। खैर यहाँ पर है ना मशीन वगैरह लगाने का एक वक्त होता है, तभी मैं लगा पाती हूँ, वरना फिर जब पानी चला जाता है ना तो फिर वो टाइम पे मशीन नहीं लगा पाती। छुट्टी वाले दिन सोचेंगे हम ज़रा आराम कर ले हाउसवाइफ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं। तो आज मेरा ये बैग का काम निकल गया था। बच्चों के बैग्स बहुत गंदे हुए थे, वो नीचे रखते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदे भी हुए थे। तो मैंने सोची पहले इसे हैंड वॉश से अच्छे से ब्रश मार मार के धो देती हूँ। वैसे भी महीने में एक बार है ना मैं ये काम कर ही देती हूँ कि तो ज़्यादा गंदे नहीं हो पाते हैं। इसे वॉश करने के लिए मैंने हल्का गर्म पानी ही लिया है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। दूसरी तरफ है ना मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी ताकि हस्बैंड को है ना लेट ना हो। संडे उनको ऑफ नहीं होता, वो है ना जुमा के दिन छुट्टी लेते हैं, और जब जुमा को छुट्टी लेते हैं तो बच्चों की छुट्टी नहीं होती है। बैग ना अच्छे से धुल गए हैं, तो मैं इसे ना थोड़ा सा कम्फर्ट डाल दूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें। आज मैं जिस चैनल का प्रमोशन कर रही हूँ वो भी मेरे चैनल पर बाकायदा हमेशा कमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो इन चैनल का लिंक मैं है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर से विज़िट करके उनको सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपके चैनल का प्रमोशन करूँ तो फिर मैं यहाँ पर आपके चैनल का नाम ले लूँगी, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपको ना कमेंट करना पड़ेगा, मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बच्चे स्कूल से घर आ गए थे और सबसे पहले मैं टिफ़िन चेक करती हूँ कि टिफ़िन उन्होंने पूरा ख़त्म किया है या नहीं, और सारे बैग्स और वगैरह सब चेक करके लेती हूँ कि कहीं कुछ टिफ़िन का कुछ गिरा तो नहीं है। वैसे तो कुछ ऐसा मैं देती नहीं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। और टिफ़िन वगैरह वॉश करके मैंने अभी यहाँ पानी ड्रेन होने के लिए रख दी हूँ। कैरी बैग मैंने जगह पर रख दी हूँ, तो ये भी एक रूटीन हो जाती है मेरी, एक मेक श्योर करती हूँ कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर हो ताकि नेक्स्ट डे है ना मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। यूसुफ़ भी है ना स्कूल से घर आ गया था और आज मैंने इसे दी हूँ चाय बटर, जो कि बहुत पसंद करता है, और इसकी मस्ती भी चालू ही है। मतलब शांत तो बिल्कुल बैठता ही नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब ये करता ही रहता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही हूँ चिकन सुखा। तो बेसिकली ये डिनर में ही बन रहा है, और हमारे यहाँ डिनर है ना ऑलमोस्ट है ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, 11 बज जाता है खाते खाते। हस्बैंड लेट आते हैं ना तो फिर सारा कुछ लेट हो जाता है, लेकिन मेरी मॉर्निंग की जो रूटीन होती है ना वो मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट हो ही जाती है। खैर यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल ले ली हूँ और थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें घी ऐड कर दी हूँ। 4 बड़े कांदे मैंने स्लाइस कट कर दी हूँ और सारा कुछ इसे फ्राई करके हम पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने कांदा फ्राई होने रख दी हूँ और मेरा ध्यान इस पर भी रहेगा, और कुछ मसाले यहाँ पर मैं रेडी करके रख दूँगी, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भर के जाएगा गरम मसाला, और इसमें जाएगा 1.5 से 2 चम्मच दही, 1 चम्मच जाएगा नमक। अच्छा नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि कोई ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहता है तो आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने भर के ले ली हूँ दही, और दही देखिए कितनी थिक है। 1 चम्मच जाएगा सॉस, ये ऑप्शनल है, और इसे अच्छे से मसालों को अच्छे से मिक्स करके रख देना है साइड में। मेरे घर पे चिकन रिलेटेड आइटम्स जो है ना बच्चों को ज़्यादा पसंद है, और बीफ रिलेटेड आइटम है ना बड़ों को ज़्यादा पसंद है। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिस दिन मैं इस तरह का खाना बनाती हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि हमारा ऑयल जो है कांदा फ्राई करते वक्त कम हो गया था। तो ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च और दालचीनी, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी सी ऐड करेंगे। चिकन जो है मेरा तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन मैं 1 kg नहीं बोलूँगी लेकिन 750 grams के करीब करीब है। एक चम्मच लहसुन क्रश करके इसमें डाल देंगे, अच्छे से सौटे कर लेंगे, लाल हो जाना चाहिए अच्छे से हमारा गरम मसाला और लहसुन। 2 चम्मच भर के जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे हाई फ्लेम पे। कलर हमारा चेंज हो जाएगा जब मसालों का, तो इसमें कड़ी पत्ता थोड़ा सा ऐड करेंगे। सूखा चिकन जो बनाते हैं ना, ड्राई चिकन, तो इसमें कड़ी पत्ता मस्ट है और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सारा चिकन और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे हम मसालों के साथ। और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस वक्त कि बच्चों की भूख बढ़ती ही जा रही थी। खैर, यहाँ पर मैंने डाल दी हूँ 2 लाल मिर्चें, 2 बड़े टमाटर स्लाइस कटे हुए और 3 से 4 हरी मिर्ची कट करके मैंने ऐड कर दी हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो तीखापन है ना, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मसाले मैंने यहाँ पर मिक्स करके रखी थी वो भी मैं ऐड कर दूँगी इस स्टेज पर। बस ध्यान रहे कि थोड़ा सा नीचे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है और सारा कुछ हाई फ्लेम पे भूनना है। पानी अब इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर, चिकन और दही सब कुछ अपना पानी छोड़ेगा और इसी में ये चिकन पकेगा भी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मंगरेल, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन जस्ट पिंच हमें डालना है, हमारे मुट्ठी में नहीं, हमारे जितने पिंच में आती है ना चुटकी में जितना आएगा उतना ही। और 1 पिंच कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी जो है ना मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, कसूरी मेथी के बिना ये रेसिपी अधूरी है। खैर, इसे अच्छे से भून लेना है और हम इसमें ढक के ना कुछ 10 to 15 minutes पकाएंगे, यानी कि जब तक चिकन गल ना जाए। मीनवाइल है ना मैं यहाँ पर है ना फ्राई राइस बना रही हूँ, तो मैंने कुकर में ही बनाना होता है हमेशा, तो थोड़े से गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जैसे कि ज़ीरा, दालचीनी और यहाँ पर ऐड कर दी हूँ मैंने कांदा, तो जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फ्राई राइस में। कांदा हमारा अच्छे से लाल हो गया है, तो इसमें मैंने चावल ऐड कर दी हूँ तकरीबन 3 कप। और जब भी आप इस तरह का चावल बना रहे, भुना चावल, तो आपको पानी इसमें बहुत हिसाब से डालना होता है। जैसे कि हमारा 3 कप है तो हमें इसमें तकरीबन 5 कप ही पानी ऐड करना है, क्योंकि कुकर में ना जल्दी से प्रेशर से बन जाता है, पतीली में जो है थोड़ा सा वक्त लग जाता है और उसमें पानी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स दे देंगे और चावलों को मैंने ना थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ऑयल ले लिया था मिक्स करके, दोनों ही चावल भी 3 सीटी में हो जाएगा आराम से। और मीनवाइल यहाँ पर है ना अनम अपना होमवर्क कर रही है, जो कि मुझे उसको साथ में कराना पड़ता है, क्योंकि सुबह 10:30 का स्कूल होता है ना, तो सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं बीच बीच में आके चेक कर रही थी कि बच्चे ठीक से होमवर्क कर रहे हैं या नहीं, नहीं तो फिर ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रॉन्ग कर देते हैं और फिर है ना पूरा पेज मुझे रफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए चिकन भी हमारा हो गया था ऑलमोस्ट, और बेसिन में जितने बर्तन थे वो भी मैं हटा दूँगी, वक्त रहते जल्दी से हटा दिया जाए तो बेसिन फैला नहीं रहता है। और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर बेसिन में बर्तन वगैरह पड़े हो ना, तो बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है कुकिंग में। मैं जितना जल्दी हो सके बेसिन का बर्तन वगैरह मैं हटा के क्लियर कर देती हूँ। और कांदा हमारा देखिए कितना अच्छा बरिस्ता बना है, बिल्कुल भी जला नहीं और कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो इसे हम ऊपर से डाल देंगे जितना हमने फ्राई किया था, और इसे ना बिल्कुल भी पीसना नहीं है। बहुत लोग इसमें पीस के डालते हैं लेकिन इसे पीसना नहीं है। और थोड़ा सा धनिया पत्ती हम ऊपर से डाल देंगे, ऐड कर देंगे और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा चिकन सूखा, रेडी हो जाएगा। और इसे आप है ना चावल के साथ या फिर रोटियों के साथ, नान, पाव, आपको जिससे अच्छा लगता है आप इसे इंजॉय करिएगा। एकदम एवरग्रीन रेसिपी है ये, मतलब हमेशा एकदम बोलते हैं ना टॉप मोस्ट चिकन, मोस्ट वांटेड चिकन में आता है ये। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा ये रेसिपी। और मुझे तो ग्रेवी अभी ज़्यादा चाहिए नहीं,
तो अगर आपको अगर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं, बेशक आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर आपको फिर से और पकाना पड़ेगा। और ये देखिए कितना अच्छा गोश्त गल गया है, अंदर तक एकदम जूसी और सॉफ्ट बन गया था ये। तो आज के लिए इतना ही, यही मेरी आज की रूटीन थी, 2 दिन की रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर की हूँ। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई रेसिपीज़ और नए कंटेंट के साथ। टिल देन के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।